हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। देखिए हम क्या बना रहे हैं। ये अलसी है, गांव में इसको तीसी बोलते हैं। तो इसकी आज हम चटनी बनाने वाली हूँ। आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे चटनी बनाती हूँ। इसको हम पहले धो ली थी ना, मैं छोटी छोटी मिट्टी जैसा लग रहा था, इसको मैंने धो ली हूँ। धोने के बाद इसको मैं भून रही हूँ। देखिए हमारा पक रहा है क्योंकि चटक रहा है। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में, रोटी से, चावल से आप खा सकते हैं। देखिए इसको हम ढक के पकाएंगे। देखिए ये उड़ रहा है। देखिए इसको ढककर हम पकाएंगे, नहीं तो सारा हमारा उड़ जाएगा, थोड़ा गैस वैस से छिपक जाएगा। इसको हम ढकते ही ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे कि नीचे का जले ना। देखिए पक गया है। देखिए एक तरफ फट गया है। ये अच्छी तरह से हमारा पक गया है। इसको हम लोग चटनी बनाते हैं। इधर हम आलू और मूली का भुजिया बना लेंगे। इधर हमारा दाल हो गया है। देखिए दोस्तों लाइन कट गई है, तो मिक्सी जार में नहीं पीस पाई हूँ अपनी चटनी तीसी का, तो इसलिए सिलबट्टा पे पीस रही हूँ। सिलबट्टा का और बढ़िया लगता है, सिलबट्टा का चटनी और भी अच्छी लगती है। खूब रगर रगर के पिसाता है ये। थोड़ा से हरी पत्ती थी धनिया का, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी इसी में पीस देती हूँ। हमारा चटनी बढ़िया से हो गया है तीसी का। इसको सब हम उठा लेंगे इसी में। देखिए दोस्तों मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है, क्योंकि मैं ये चटनी अपनी सील बट्टा पर पीसी हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी लग रहा है। और इतना हमारा तीसी बच गया है, भुना हुआ तीसी है। देखिए सब चटका हुआ है ना, बहुत अच्छा से पक गया है हमारी तीसी। क्योंकि मिक्सी जार में पीसने वाली थी, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट कट गई है, तो इसलिए इन्वर्टर भी मेरा बैठ गया है, तो इसलिए नहीं मिक्सी में पीस पाई हूँ, तो इसलिए मैं सील बट्टा पर पीसी हूँ।
आप लोगों को मेरी चटनी कैसी लगी तीसी की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग खाते हैं कि नहीं वो भी बताइएगा, हमको तो तीसी की चटनी खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।